आज आप लोगों के साथ में जैपनीज लोगों का सीक्रेट वाला फेस पैक शेयर करूंगी, जो कि आप इजीली घर में बना सकते हैं। इसकी गुडनेस आप ले सकते हैं। जैपनीज जो होते हैं वो अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनकी स्किन पर आप देखेंगे कोई भी दाग धब्बे झुर्रियाँ या फिर कोई तिल मस्से या फिर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, एक्ने स्पॉट्स, पिंपल स्पॉट्स कुछ भी नहीं होता है। उनकी स्किन बहुत ही सफल, स्मूथ और बेबी सॉफ्ट क्यों रहती है, क्योंकि वो यूज़ करते हैं अपनी स्किन के लिए कुछ खास इंग्रेडिएंट वाले फेस पैक, जैसा कि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। इसका यूज़ करके वो अपनी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, ब्लेमिशिंग को दूर रखते हैं, अपनी स्किन को बेबी सॉफ्ट बनाए रखते हैं। वो चाहे 50 की भी वहाँ लेडीज़ होती हैं, उनकी स्किन पे रिंकल्स होते ही नहीं है, यानी कि फाइन लाइंस, झुर्रियाँ, लाफिंग लाइंस वगैरह कुछ नहीं होती हैं, क्योंकि ये फेस पैक जो होता है वो आपकी स्किन की स्मूथनेस को इतना बढ़ा देता है कि आपकी स्किन पर झुर्रियाँ पड़ती ही नहीं हैं। वक्त से पहले जो हमारी स्किन अनइवन हो जाती है, हमारी स्किन पर टैनिंग वगैरह हो जाती है, तो वो वहाँ के लोगों में नहीं होता है। आप जाहिर है सोच सकते हैं, क्या सूरज वहाँ नहीं निकलता है, क्या उनको सनबर्न, सन टैनिंग ये सब नहीं होता है? उन लोगों को नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कुछ इस तरह के सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। हेलो माय ब्यूटी फैमिली जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत ही अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त पिंक ब्यूटी से, यहाँ पर मैं आप लोगों की हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ को शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और काफ़ी बजट फ्रेंडली होती है। तो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो वेलकम करती हूँ आप सभी का। फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को, और उसके पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाल वाला जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कोरियन स्किन सीक्रेट जो होता है सबसे ज़्यादा वो है चावल, यानी कि चावल का पाउडर या चावल का आटा आपको लेना है। सबसे पहले ये चावल का आटा, ये आपकी स्किन को सफ़ेद करता है, वाइट करता है। जिनकी सांवली रंगत है या धूप से स्किन झुलस गई है, अनइवन स्किन टोन है और ब्लेमिशिंग है, पिगमेंटेशन है, उनको ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथली रिमूव करता है, डार्क सर्कल को रिमूव करता है, आपकी डार्कनेस को कम करता है, आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ये रिड्यूस करके वन शेड लाइटन करता है, ब्राइटन करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट हमें ये चाहिए लेमन, लेमन यानी कि नींबू। ये एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, आपकी स्किन के डार्क स्पॉट को रिमूव करता है। हाफ लेमन इसमें हमें ऐड करना है, चावल के साथ मिलकर ये डबल आपकी स्किन को वाइट करने का काम करेगा, आपके ब्लैक स्पॉट्स और आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा। चावल का आटा जो होता है वो आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, साथ ही ये लेमन भी जो है आपके स्किन की पिगमेंटेशन को ईजिली रिमूव करने का काम करता है, आपके दाग धब्बे एक्ने स्कार्स को ये कम करता है, आपके ब्लैक स्पॉट और झाइयों को ये रिमूव करता है। फिर हमें इसमें ऐड करना है ये कच्चा दूध, एक चम्मच के करीब। ये कच्चा दूध जो होता है वो आपकी स्किन को लाइटन, ब्राइटन और वाइटन करने का काम करता है, स्किन के ग्लो को बरकरार रखता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। इसके बाद हमें लेना है एक पोटैटो यानी कि आलू, ये भी ब्लीचिंग एजेंट का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये आपकी स्किन को लाइटन करता है, आपकी डार्कनेस को और जितने भी डार्क सर्कल्स हैं आपके हैं उनको रिमूव करता है। अपर लिप्स पे अगर आपके डार्कनेस है बहुत ज़्यादा तो इसको आप यूज़ करेंगे। हम फिलहाल मुझे इस तरह से करना है, छिलके के साथ ही आप करेंगे ताकि आपको अच्छे से इसके छिलके की भी न्यूट्रिशंस मिल सके। आलू में जो भी न्यूट्रिशंस होती हैं उससे कहीं ज़्यादा उसके छिलके में मौजूद होती है, तो इस तरह से आपको ले लेना है। थोड़ा इस तरह से छलनी लेनी है और इसमें रख के इस तरह से आलू के रस को निचोड़ना है, क्योंकि आलू का रस जो होता है हमारी डार्कनेस को, हर तरह की डार्कनेस को कम करता है। आलू आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारी स्किन पे स्टार्च के साथ काम करता है, यानी कि जिसमें स्टार्च होता है वो भी हमारी स्किन को साफ़ करता है, हमारी स्किन को चिकना बनाता है। तो इसलिए कोरियन स्किन ट्रीटमेंट में आलू और चावल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका पैक पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है, अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो इस तरह से हमें इसकी बहुत ही मोटी सी एक लेयर अप्लाई करनी है अपने फेस पर। इस फेस पैक को
आप लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगी। जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा दरदरी सी है उनके चेहरे पर एक चिकनाहट आएगी, यानी कि बहुत लोगों का चेहरा ऐसा होता है काफ़ी दरदरा होता है, कील मुहासों की वजह से बहुत खड्डे बन गए होते हैं, तो उसकी वजह से जो है बहुत दरदरा और भद्दा दिखता है। तो आप ये ज़रूर से ट्राई करें। कोरियन जो होते हैं या फिर जैपनीज़ जो होते हैं वो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं। उनके रूटीन में चावल का आटा या चावल का पानी बहुत ही ज़्यादा शुमार होता है, जिससे उनकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहती है, और हाइड्रेट इस कदर रहती है कि उनके स्किन पर ब्लेमिशिंग पड़ने ही नहीं पड़ती। तो इसलिए आपको मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप इस फेस पैक को अपने रूटीन में शामिल कर लें। अब भाई वीडियो बनाते वक्त मैं इसको 20 मिनट तो अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं इसको अभी रिमूव कर रही हूँ, लेकिन आपको इसकी एप्लीकेशन करनी होगी 20 मिनट। लेकिन देखते हैं कि 2 से 3 मिनट में इसका क्या रिज़ल्ट मिला है, क्या मैंने वाकई सच बोला है या फिर झूठ। तो मैं इसको हल्के हल्के से रिमूव करूँगी, आपको भी ऐसे ही रिमूव करना होगा अपने चेहरे पर। बहुत ही जेंटल मसाज करेंगे आप, जेंटली तरीके से, बहुत ही लाइट आपका हाथ चलेगा इस तरह से, ताकि आपके जितने भी डेड सेल्स हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, सब रिमूव हो जाए। अगर आपके पिंपल्स हैं तो उनको मत छेड़िएगा, बाकी सारी स्किन वाले आप कर सकते हैं। ये स्किन पैक, ये फेस पैक, वाइटनिंग फेस पैक या फिर जैपनीज सीक्रेट फेस मास्क आपकी स्किन को निखार देगा, आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। लेकिन आप फिर भी आप सोचते हैं कि होम रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं, मैंने इसके पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग फेस पैक, और लाइव उसमें भी मैंने आपको दिखाया है किस तरह से आप अपनी स्किन को बेहतरीन वन स्किन शेड लाइट कर सकते हैं बिना किसी कैमरा कट के। मैंने उसमें लाइव आपको दिखाया है कि किस तरह से मेरी स्किन पर जब वाइटनेस आ सकती है तो आपकी स्किन क्यों नहीं, और जबकि उसमें भी मैंने 2 से 3 मिनट ही बाद रिमूव कर दिया था। तो आप जब इसकी पूरी एप्लीकेशन 20 मिनट तक करेंगे तो जाहिर है आपकी स्किन और भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन हो जाएगी बिना किसी मेकअप के। दिखाती हूँ, ये देखिए आप स्किन कितनी प्यारी और कितनी ग्लो कर रही है मेरी स्किन, वरना आप कहेंगे कि आपने दिखाई ही नहीं। ये देखिए मेरी स्किन किस कदर वाइट हो गई है और किस कदर प्यारी और स्मूदन लग रही है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में इतना बेहतरीन फ़र्क आया है, स्किन पे एक शाइन आएगा, हाइलाइटर की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी। इसके बाद हमें एक अच्छा सा टोनर अपनी स्किन पर अप्लाई करना है, तो ये मेरा होममेड कुकुम्बर टोनर है, जिसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है और इसका लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। तो इसकी एप्लीकेशन करनी है। तो जी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा, और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर से छोड़ दीजिएगा, और अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मुझे अब दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यारी सी अमेजिंग कोई वीडियो होगी, तब तक इंतज़ार कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।